हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल सिंह और मैं आज की निफ्टी एनालिसिस लेके हाजिर हूँ। सो जैसा कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, हमारे लिए ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ करी है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और आज भी है। और देखिए, प्राइस अभी भी इसके नीचे ही घूम रहा है, ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं आया। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि प्राइस इसे जल्दी से नहीं तोड़ने वाला, जब तक प्राइस इस जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है रेड वाली ट्रेंड लाइन इसके ऊपर नहीं जाता, मेरा व्यू निफ्टी पे बुलिश नहीं होगा। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात और है कि यहाँ पे ये जो मैंने अभी पतली वाली ट्रेंड एक लाइन ड्रॉ करी है, ये एक सपोर्ट लेवल था निफ्टी का जो इस कैंडल पे टूट गया था, राइट। और उसके बाद जो आज का हाई है, आज के प्राइस एक्शन ने वहीं पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है। सो बेसिकली निफ्टी के इस अप मूव को भी मैं एक प्रॉपर अप मूव नहीं मानूंगा और मैं नहीं मानता कि अभी बाज़ार यहाँ से ऊपर जाने वाला है। जब तक मार्केट इस रेड लाइन को ब्रेक ना करे, मेरा व्यू बुलिश बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक ये वाली ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ये आ गई आपकी ट्रेंड लाइन। या आप अगर और सेफ थोड़ा खेलना चाहते हैं तो जो ये नई वाली रेड ट्रेंड लाइन है, अगर बाज़ार इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए तो हम फिर एम करेंगे अपना 11,000 के टारगेट के लिए, 11,170 के टारगेट के लिए हम एम करेंगे। सो आप सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नीचे से ये ब्लैक वाली लाइन और ऊपर से ये रेड वाली लाइन, अगर ये रेड वाली लाइन के ऊपर बाज़ार चला गया तो फिर हमारा माहौल जो है वो बुलिश हो जाएगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड कि बाज़ार अब ऊपर जा सकता है। और अगर प्राइस इस वाली सपोर्ट के जो कि 10,554 है, अगर इसके नीचे चला गया तो हमारा फिर जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो होगा 10,418। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिलीज एंड लीव योर कमेंट बिलो लाइक दिस वीडियो। एंड आई होप आने वाला सेशन आपके लिए अच्छा होगा। जय हिंद।